सौभरी ऋषि की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, सुनिए। सौभरी नाम के ऋषि जो थे वो स्नान करने के बाद तट पर ही खड़े होकर के और सूर्य नारायण का ध्यान करने लगे, गायत्री जप करने लग गए, अर्घ प्रदान कर रहे थे। अर्घ में गायत्री मंत्र का प्रयोग होता है, तो सूर्य अर्घ प्रदान करके सूर्य की वंदना कर रहे थे। उस समय ही उनकी दृष्टि नदी में पड़ी, तो नदी में उन्होंने एक मछली के जोड़े को, युगल को, नर मछली और मादा मछली को क्रीड़ा करते हुए देखा। वह बड़े प्रेम पूर्वक यहां से वहां किलोल कर रहे हैं, तो सौभरी ऋषि के मन में विवाह की इच्छा हो गई। देखो अकेले रहते हैं, जंगल में रहते हैं, कोई साथ में नहीं है, तो क्यों ना विवाह कर लें। देखो इस पशु पक्षियों का जीवन भी विवाह के बाद कितना आनंदित होता है। मन में विवाह की इच्छा जाग गई। अब विवाह करें तो कन्या कहां मिले, तो कन्या प्राप्ति के लिए वो राजा के पास गए विवाह करना है। राजा ने कहा कि क्या करें। राजा मन में विचार में पड़ गए कि यदि मना करता हूं तो महात्मा नाराज हो जाएंगे और श्राप दे देंगे, और श्राप दे देंगे तो मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा, और यदि मैं हां करूं तो अपनी बेटी इनको कैसे दे दूं, ये तो महात्मा है जंगल में रहते हैं, मेरी बेटी राजकुमारी है वो इनके साथ जंगल में कैसे रहेगी ये बूढ़े महात्मा। उनको 50 बेटियां थी राजा को। राजा ने टालने के लिए कह दिया, बोले जो बेटी आपको पसंद कर ले, अपनी ओर से जो बेटी आपको पसंद कर ले बस उसी के साथ विवाह कर देंगे, क्योंकि राजा के मन में तो था कि कोई बेटी इनको पसंद तो करेगी नहीं। परिणाम ये हुआ कि महात्मा समझ गए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने ऐसा दिव्य स्वरूप अपना बनाया, इतने सुंदर बन गए कि कामदेव भी लज्जित हो जाए। और वो 50 की 50 कन्याओं ने जब देखा तो वो सभी बोली कि हम विवाह करेंगे, बोली हम विवाह करेंगे। तो महात्मा ने कहा कि अब तो आप सबको ही विवाह करना पड़ेगा, तो सबके साथ विवाह हो गया और बड़ी भारी गृहस्थी बसाई उन्होंने। तो कहने का अर्थ यह है कि कहां किसको देख करके जीवन में मोह आ जाए, विकार आ जाए, इसलिए साधक को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है।